यहां पर प्रॉब्लम टू क्या कहता है कि कुछ सेट ऑफ एन, मतलब एन नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, सबकी वैल्यू आर है और सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, मतलब ये हो जाएगा बच्चों एन टाइम्स ऑफ आर जब यूज करेंगे इसको अपन, और बैटरी लगी है ईएमएफ ई और उसका खुद का रेजिस्टेंस भी आर ही है और करंट बताया गया है आई। इतना पहले ड्रॉ कर लेते हैं अपन, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। एक बैटरी बनाई हम लोगों ने और उसका खुद का रेजिस्टेंस बनाया वो भी आर है और यहाँ पे आ जाएगा ईएमएफ, वो ढेर सारे रेजिस्टेंस लगा दिए अपन ने, तो बच्चों इसको अपन डायग्राम में डायरेक्ट एनआर बनाएंगे, ये फर्स्ट केस हो गया। फिर कहता है वही जो एन रेजिस्टेंस है उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा आर बाय एन और बैटरी को वही रहने दो, तो बैटरी आपने बनाई आर और ई के साथ और यहाँ आ जाएगा अब जो रेजिस्टेंस यूज होने वाला है, मतलब आर बाय एन। यहाँ चल रहा है करंट, उसका नाम आई है क्वेश्चन कह रहा है, और नया जो करंट आया उसका नाम आ गया 10 I। ये है प्रॉब्लम आपकी, पूछ रहा है एन बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट केस अगर लिखेंगे तो नेट करंट कितना होता है, नेट ईएमएफ, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, इट शुड बी आर प्लस एन आर। सिमिलरली यहाँ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखना होगा 10 times of I, है ना, 10 I हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा E डिवाइड बाय, इसको ऐड कर लो तो हो जाएगा R प्लस R बाय N। सॉल्व करोगे इसको बच्चों तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ये आ रहा अपने पास 1/10 और ये हो जाएगा R प्लस R बाय N डिवाइड में R प्लस एन आर। इसको यहाँ सॉल्व करना अपन को चाहिए, ये हो रहा है बच्चों R प्लस एन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, ये हो जाएगा 10 R प्लस 10 times of R बाय एन, राइट। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, सबसे पहले R को अलग कर दो, ठीक, ये हो गया 1, इसको इधर बुलाओगे तो क्या हो जाएगा, ये इसे यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 plus N, तो ये हो जाएगा N-9 इधर आ गया और हो जाएगा 10 by N विच शुड बी N² - 9N - 10 = 0। कर लेते हैं इसको सॉल्व मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो हो जाएगा N² - 10N + N - 10 = 0। यहाँ से दिख रहा है अपन को n की वैल्यू या तो 10 आएगी और या तो -1 आएगी, ये नहीं हो सकती, ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। दो इक्वेशन लिखनी है, उनको सॉल्व करना, आंसर मिल रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।